गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हमारा कौन सा व्लॉग है? आज मैं नंबर नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं हमेशा भूल जाती हूँ, हमेशा, इसलिए आज मैं नंबर नहीं बोलूँगी। और पता है अभी 10:30 हो रहा है और मौसम आज भी इतना प्यारा है, इतना अच्छा है, मैं दिखा देती हूँ। आई नो मैं डेली मौसम दिखाती रहती हूँ लेकिन इतना अच्छा ही हो रहा है तो मैं क्या करूँ यार, दिखाऊँ? ये देखो इतना अच्छा मौसम हो रहा है, 10:30 बजे यार, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? पता, मैंने नया कवर भी मंगाया था अपने फ़ोन का, लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं दिल्ली से आना था या क्या था, तो 17 से पहले डिलीवर नहीं होगा। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, वो बेकार लगता है यार जब कोई चीज़ आनी होती है और वो आती नहीं है चीज़। और आज खाने में क्या है मामा? पूरी, छोले, हलवा। आज वो वाला नवरात्रि वाला बनाया है। ओके, लाइट ऑन कर लो, आज ज़्यादा अंधेरा नहीं हो गया है ना? सो बेसिकली अब मम्मा बनाएंगी सूप। तो आज वैसे भी आज मैं हैंड ओवर करूँगी मम्मी को व्लॉग, लेकिन उससे पहले मम्मी ने कहा कि मशरूम्स कट कर दो, तो चलो मशरूम्स कट करते हैं। यार बहुत काम हो जाता है, पता नहीं यार कब लॉकडाउन ख़त्म होगा, कब आएंगी सारे मेट्स वगैरह, बहुत काम हो जाता है यार। मम्मी की मैं हेल्प करती हूँ लेकिन बहुत कम करती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, लेकिन बहुत कम हेल्प करती हूँ क्योंकि मैं इतना ज़्यादा काम कर देती तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत ख़राब लगता है ज़्यादा काम करें। और बाकी थोड़ा सा चलेंगे कौन, और जब तक मैं ये करूँगी उसके बाद फिर मैं मम्मी को हैंड ओवर कर दूँगी व्लॉग। देखते हैं मम्मा कैसा व्लॉग करती हैं खाने वाले का। चलो मैं ये मशरूम कर देती हूँ और इसको कर देती हूँ, इसको क्या होता है यहाँ, कौन को कर देती हूँ। और आज व्लॉग लेट आएगा क्योंकि देखो मेरे पास कुछ था नहीं, सच बताऊँ तो मम्मी की जो हेल्प करनी है, जो मम्मी व्लॉग बनाएंगी वही होगा। अभी है मैंने पानी में निकाल लिया है कौन, जैसे कि वो क्या नाम है, बहुत ज़्यादा वो होते हैं ना फ्रोज़न होते, तो वो फ्रोज़न पना हट जाए इसलिए नॉर्मल पानी में डाल दिए हैं। यार ये मशरूम कितने फ्रेश लग रहे हैं, कितने बड़े बड़े हैं, पता नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है ना, ये वाला देखो, ये तो छोटा है जब भी, ये देखो। अब मैं इसको काट के इसमें रख डाल दूँगी, आई नो इतनी बड़ी छन्नी, इसलिए जैसे मैं इसको ऐसे ही वॉश कर लूँ, उसके बाद ये वापस यूज़ कर लूँगी क्योंकि भाई बर्तन धोने पड़ते हैं यार। यार मैंने अभी रियलाइज़ किया मुझे पनीर भी काटना था, तो बाकी के मशरूम और क्या नाम है अभी क्या होता है कॉर्न, मैं बार बार नाम भूल जाती हूँ उसका, कॉर्न रख के आती हूँ फ्रिज में और पनीर लेके आते हैं, फिर वो काटते हैं और उसके बाद बनी का वैसे पीछे रिंग लाइट है, पता है ये पहले मेरे से बहुत ज़्यादा लंबी थी रिंग लाइट, मतलब या तो मैं छोटी थी हाइट में या पता नहीं क्या हुआ, ये तब से ऐसे कैसे ऐसी सामने सीधी सीधी है। लेकिन अब ये देखो, ये मुझे शिट पानी गिर गया। अब ये देखो अभी मैं से छोटी हो गई हाइट में, नहीं मतलब मेरी जितनी हो गई है, अब यार पोछा लगाना पड़ेगा यार। अब ये सब मैंने कट कर दिए हैं यार, कितने प्यारे लग रहे, देखो यहाँ ये सब अब डलेगा सूप में। और बेसिकली मम्मी को भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मम्मी ने मेरे को सारा सामान निकाल दिया है, तो मम्मी भी लाइक तुम बना लो कोई बात नहीं, तुम्हारा ब्लॉग भी बन जाएगा। सो मैं पहले चीज़ें दिखा दी थी कि क्या चाहिए होती है। ये ऑलरेडी मैंने कढ़ाई में गर्म पानी खुलाने के लिए रख दिया, 3/4 कढ़ाई। ये हमारे वेजिटेबल्स, वो तो मैं बता चुकी हूँ, ये है कॉर्नफ्लोर पानी में मिला हुआ, ये रहा हमारा काली मिर्च पाउडर, ये अजीनोमोटो, ये मैगी, और ये रहा हमारा सोया सॉस। अब मैं बताती हूँ सीक्वेंस। अब इसमें उबाला आ गया है ना, तो अब हम डालेंगे इसमें सारी वेजिटेबल्स जो जो हमने काटे हैं, कॉर्न, ओह मेरा हाथ जल गया, पनीर, मतलब सब डाल देना है, रुक जाओ अब हम इसको वापस उबालना देंगे, जब ये पूरा खोल जाएगा फिर हम बाकी चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे कि इसमें उबाल आ चुका है,
अब हम डालेंगे काली मिर्च इसमें जो थी, पहले हम इसे धीरे कर लेंगे। और अजीनोमोटो भी डाल देंगे। रुको मैं यहाँ से मैगी हटा लूँ। सब डाल दिया, अब हम ये भी डाल देंगे सोया सॉस। अब हम ये सॉल्ट भी डाल देंगे, मैंने पूरा एक स्पून लिया है। अब कम होगा तो वो दूसरी वजह ज़्यादा डल जाएगा, कम का इलाज है ज़्यादा का इलाज नहीं है। वैसे ज़्यादा का भी है फिर पानी और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो बेकार हो जाएगा। अब हम इसको वापस उबलने देंगे। उससे पहले हम जब ये हमने पहले तेज़ करी गैस, उसके बाद हमने एकदम ये अच्छे से क्रश कर लिया। हम तीन लोग खाने वाले हैं तब भी एक ही लेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एकदम अच्छे से क्रश कर देंगे। आप में से किसी ने कच्ची मैगी खाई है कभी? मतलब बस कच्ची मैगी में हल्का सा पानी डाल के और उसके ऊपर मसाला डाल के, मैगी मसाला, बस बहुत अच्छी लगती है। मैंने हॉस्टल में बहुत खाई है, पता है। अब हम इसको उबलने देंगे। जब हमें लगेगा कि मैगी एकदम अच्छे से तैयार हो गई है तो उसके बाद फिर हम लोग उसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। मैं बताऊंगी कब डालेंगे। मेरे को लग रहा है कि इसमें ये क्या नाम है, बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है मैगी। आप बिना मैगी के भी बना सकते हो अगर आपको मैदा नहीं डालना है। अब हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर का हमारा जो पानी में मिक्स था, और जैसे ही ये डालेंगे फिर हम जल्दी जल्दी घुमाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जिससे चिपके ना और अच्छे से वो हो जाए। ठीक है, मैगी आई थिंक कुक हो चुकी है। हाँ, हो चुकी है। अब हम ये डालेंगे, हमने डाल दिया। अब हम इसे घुमाएंगे घुमाएंगे घुमाएंगे। ये देखो कितना थिक हो गया है, मतलब तुम बबल्स भी वो सुन सकते हो कि कितना थिक हो गए हैं। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा होगा। चलो थंबनेल ले लूँ मैं। टडाम, 1 2 3। हाँ, तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, और कल मिलते हैं। बाय बाय।